हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और क्रिप्टो बार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलर नेटवर्क के बारे में। तो सेलर आप सभी को पता है कि एक बहुत ही अच्छा कॉइन है और काफ़ी लोगों ने इसको बाय भी किया हुआ है। बाय थोड़ा सा हाई प्राइस पे शायद किया हो आप लोगों ने भी, मैंने भी थोड़ा हाई प्राइस पे बाय किया हुआ है। तो इसकी होल्डिंग मैंने रखी हुई है क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉइन बहुत अच्छे तरीके से हमें रिटर्न देने वाला है। ठीक है, तो आज डिटेल में हम सेलर की बात करेंगे और जो लोग एक अच्छा कॉइन ढूंढ रहे हैं उन्हें कोई कॉइन ऐसा मिल जाए कि थोड़ी सी होल्डिंग रखे एक अच्छा प्रॉफिट उन्हें मिल जाए, तो सेलर उनमें से एक है। ठीक है, सेलर को अगर आप आज बाय करते हैं किसी भी प्राइस पे, अभी इसका प्राइस 5.69 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो सेलर को अगर आप किसी भी प्राइस पे आज की डेट में बाय करते हैं, तो अभी जो इसका आने वाला समय है यानी कि मार्केट अभी जब बुल रन स्टार्ट करेगी, तो उस बुल रन में ये कॉइन आपको कम से कम यहाँ से 4 से 5 गुना तक का प्रॉफिट बड़ी आसानी से दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर इसके क्लिक करते ही हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी पर हम ओपन किया हुआ है हमने ऑलरेडी, लगभग 1 लाख फॉलोअर्स हैं इनके, 1 लाख फॉलोअर्स हैं सेलर के। और इसी के साथ साथ इथेरियम ब्लॉकचेन पर ये वर्क करता है, तो जैसे जैसे इथेरियम आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे सेलर में भी तरक्की आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइस अगर देखें तो, लास्ट 24 आवर्स में 2.25% के करीब डाउन है। आप सभी को पता है मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से डाउन है। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसकी घटी है लगभग 66% के करीब और 62% कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं। टोटल और मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है और मार्केट कैप की अगर बात करें तो 35 बिलियन इंडियन रुपीज़ की इसकी मार्केट कैप है। ठीक है, 35 बिलियन इंडियन रुपीज़ की इसकी मार्केट कैप है और ये है इसका ऑल टाइम का ग्राफ। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि ये एक लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन चेन ट्रांजेक्शन हैंडलिंग कॉइन है। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, तो ये है इनकी वेबसाइट, पुश ब्लॉकचेन टू मेन स्ट्रीम विद लेयर 2 स्केलिंग टेक्नोलॉजी। व्हाट इज सेलर? सेलर इज अ लेयर 2 स्केलिंग प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स फास्ट, सिक्योर एंड लो कॉस्ट ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस ऑन इथेरियम, पोलकाडोट एंड अदर ब्लॉकचेन टू मास अडॉप्शन। तो केवल इथेरियम पर वर्क नहीं करता, ये पोलकाडोट पे भी वर्क करता है और साथ ही साथ यहाँ पर BSC पर भी ये वर्क करता है और एवलॉन्च पर भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये मल्टी चेन एक स्केलिंग सिस्टम है यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फंडामेंटली ये कॉइन है और आने वाले समय में इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। तो थोड़ा और नीचे चलते हैं। इकोसिस्टम में लेयर 2 फाइनेंस भी इनके आ चुका है, अभी कुछ ही टाइम पहले रिलीज किया था इन्होंने। सी ब्रिज, मल्टी चेन क्रॉस लेयर एसेट ब्रिज, इंस्टेंट ट्रांसफर, जीरो ट्रस्ट। तो सी ब्रिज क्या होता है? सी ब्रिज होता है कि किसी भी चेन से कनेक्ट होके ट्रांजेक्शन की जा सकती है और बहुत ही सस्ते प्राइस में। ठीक है, अभी हम इसके सी ब्रिज की वेबसाइट पे देखते हैं कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, कितनी वॉल्यूम है और कितनी टोटल ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये इसका सी ब्रिज का पेज आ गया है, सी ब्रिज एनालिटिक्स सेलर नेटवर्क। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हो गया रिफ्रेश। अभी तक जो टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम सेलर पर हो चुकी है सी ब्रिज के बाद, सी ब्रिज इसका अभी दिसंबर में ही लॉन्च हुआ था, 2021 के दिसंबर में, तो $2.3 बिलियन की ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है इस पर। और लास्ट अगर 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम अगर देखें तो $52 मिलियन की इसकी ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है। टोटल वैल्यू लॉक्ड अभी तक कितनी हो चुकी है सेलर ब्रिज पर? $208 मिलियन, यानी कि $208 मिलियन। और टोटल ट्रांजेक्शन अभी तक 2,71,000 के आसपास हो चुकी है सी ब्रिज पर। और लास्ट 24 आवर्स में, जो केवल 24 घंटे में जो ट्रांजेक्शन हुई है, लगभग 3,000 के करीब ट्रांजेक्शन्स हैं। यूनिक एड्रेस, कितने एड्रेसेस पर ट्रांजेक्शन हुई है? तो लगभग 84,000 ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है, 84,000 एड्रेसेस पे। अभी यहाँ पे ये इसका वैल्यू लॉक का ग्राफ है, यानी कि जब से सी ब्रिज लॉन्च हुआ है दिसंबर 21 से लेके, कितनी लिक्विडिटी लॉक हो चुकी है सी ब्रिज पर। तो ये ग्राफ आप देखें कितनी तेजी से ये ऊपर बढ़ रहा है। आज की डेट में 195.2 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी लॉक हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद डेली ट्रांजेक्शन काउंट का ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं डेली ट्रांजेक्शन कभी कम है कभी ज्यादा है। थोड़ा और नीचे चलते हैं।
डेली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, तो डेली ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम बहुत तेज से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आज की डेट में 46 मिलियन डॉलर की ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है। तो ये थी सी ब्रिज की ट्रांजेक्शंस डिटेल। अभी बात करते हैं इनके पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स एल4, पोलकाडोट, डेफिनिटी, स्टारवेयर, नर्वस, एंकर, चेन लिंक, मेकर और IOTX। तो काफी बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बाइनेंस लॉन्च पैड पर लॉन्च हुआ था। तो बाइनेंस लॉन्च पैड के जितने भी कॉइन्स हैं आज तक का, अगर उनका रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हर एक कॉइन ने दिया है। तो सेलर भी अभी उसी गिनती में है। अभी एक बार चलते हैं इसके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और देखते हैं कि किस प्राइस में हमें ये बाय करना है और कब तक इसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये है सेलर का चार्ट और इसको हम एक बार करते हैं वीकली पर। तो ये सेलर का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देखेंगे सेलर ने यहाँ से ऊपर जाने के बाद एमए पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, अभी फिर से एमए पर ये रेस्ट कर रहा है। तो यानी ये सिंपल सा फंडा है कि अभी ये बाइंग जोन में है। ठीक है, बाइंग जोन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है सेलर का, 0.06 के अराउंड आपको बाय करना है। अभी देखिए अगर ये जिस तरह से यहाँ से ऊपर गया है, फिर इसने सपोर्ट लिया है, फिर ये ऊपर गया है, फिर इसने सपोर्ट लिया है, अगर ये इसी तरह से इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर इतना ये ऊपर जाता है तो लगभग आधा डॉलर इसका प्राइस जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ये कितना परसेंट यहाँ से यहाँ तक गया। लगभग 2000% के करीब ये फर्स्ट राउंड में स्पाइक लगा इसने। ठीक है, और अगर इससे पहले वाले राउंड में हम देखें ये वाला राउंड कि यहाँ पर इसने कितनी स्पाइक ली, तो एक बार इसको भी हम थोड़ा सा मेजर करते हैं। तो ये वाली स्पाइक लगभग 300% की थी, उसके बाद जो ये स्पाइक ली इसने ये लगभग 2000% की थी। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ से एक बार कैलकुलेट करते हैं, शायद पहले गलत हमने कैलकुलेट कर ली। नहीं, 2000 के करीब यानी कि 1800% यहाँ से भी शो हो रहा है। तो ये जो स्पाइक थी ये वीकली कैंडल है, 1800% पंप हुआ था, इसके बाद अगेन फिर से इसने सपोर्ट लेकर फिर से एक अच्छा पंप किया था जो कि क्रैश के बाद का पंप था। ठीक है, ये वाला पंप था इसका लगभग 700% के करीब का पंप। ठीक है, 700% यहाँ से भी पंप किया था इसने मार्केट क्रैश के बाद, और ये लगभग अपने प्राइस से 4 गुना तक गया था यहाँ पे। तो तभी ये हमारी नज़रों में भी आया था और अभी वापस से फिर से अपने एमए पर ये टिका हुआ है। ठीक है, तो अगर एमए से ये 700% भी जाता है, 2000 नहीं मानते, 700 मान लेते हैं, तो 700% अगर ये जाता है अपने मूविंग एवरेज से तो कितना प्रॉफिट हमें कहाँ तक का ये प्राइस टारगेट दे सकता है एक बार देख लेते हैं, 0.54 के आसपास। तो अगर ये इसी तरह से एक जंप और 700, 500, 600% की जंप लगाता है तो आधे डॉलर के आसपास इसका प्राइस बड़ी आसानी से जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मार्केट एक बढ़िया मूड में आती है, अच्छे पॉजिटिव मूड में आती है, तो सेलर फिर से एक अच्छी स्पाइक लगा सकता है जो कि कम से कम 0.3 डॉलर की होनी चाहिए, यहाँ तक कि 0.3 डॉलर के आसपास की मेरे हिसाब से इस बार ये जंप लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये जाता है 0.3 के आसपास तो लगभग कितना प्रॉफिट होता है, लगभग 400% का प्रॉफिट यहाँ पर भी होता है। तो दोस्तों सेलर अभी बहुत ही अच्छे बाइंग जोन में है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छा कॉइन है। और मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने ऊपर के प्राइस पे बाय किया वो थोड़े से निराश हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको वही करना है जो मैं भी कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अगर इसको पुराने रेट पे बाय किया हुआ तो मैं अभी इसको डाउन रेट पे बाय करके मेरा वो जो पहला वाला प्राइस है, मान लीजिए मैंने 10 या 12 रुपये पे बाय किया था, तो वो सीधा सीधा 50% यहाँ पे डाउन हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो बाइंग है वो लगभग 0.10 के आसपास की आ जाएगी अगर हम आज के प्राइस पे इसको बाय करते हैं। तो इसका जो बाइंग जोन है 0.06 के आसपास है। मेरे हिसाब से आपको इसके कुछ कॉइन्स यहाँ पर अगेन बाय करने चाहिए और एक अच्छी सी होल्डिंग देनी चाहिए, नेक्स्ट मंथ शायद या उससे अगले महीने फरवरी या फिर मार्च में अगर बुल रन आया तो ये कॉइन हमें बड़ी आसानी से जो टारगेट मैंने आपको दिया है वो अचीव करके दे सकता है। तो बाइंग जोन में प्राइस है और 0.06 पे आते ही इसको कैप्चर करना है।
और होल्डिंग देनी है और अच्छा प्रॉफिट गेन करना है। अभी हम देख लेते हैं कि किस किस एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, आपको सबसे पहले तो ये वजीर एक्स पर भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडियंस के लिए। वजीर एक्स से मिल जाएगा, बाइनेंस से मिल जाएगा, बिटहम पे मिल जाएगा, और इसके अलावा ये गेट डॉट आयो पर भी आपको मिल जाएगा। गेट डॉट आयो पर सारे के सारे कॉइन्स आपको मिल जाते हैं। यूनिस्वैप पे, क्रिप्टो डॉट कॉम एक्सचेंज पे आपको मिल जाएगा, एमएक्सी पे मिल जाएगा, और ओके एक्स पे मिल जाएगा, कू कॉइन पे भी शायद ये कॉइन है, कॉइन एक्स पर है, हॉटबिट पर है, ला टोकन पर है, ठीक है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पर है, बिग वन पर भी है, जेड पे भी आपको मिल जाएगा, आप जेड पे चलाते होंगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सचेंजेस पर ये कॉइन अवेलेबल है। और एक बहुत ही अच्छी डील हो सकती है अगर हम इसको अभी जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे, या फिर थोड़ा और नीचे 0.06 के आसपास अगर इसको बाय करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो रेड बटन को जरूर प्रेस करके और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दें। समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।